दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं इम्यूनोडॉग रस, इसको कैसे यूज करना है और कौन कौन व्यक्ति इसको यूज कर सकता है और कौन कौन व्यक्ति इसको यूज नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो हम धोखे से जिसको यूज नहीं करना है उसको भी हमने दे दिया और कहीं उल्टा असर हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, पूरी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसको कौन कौन सी समस्या में दे सकते हैं और ये क्या क्या चीज़ के लिए काम आता है। इम्यूनोडॉक रस का उपयोग यदि किसी को चक्कर आता है उसके लिए आप इसको दे सकते हैं, किसी को गैस की समस्या है उसको भी आप यूज करा सकते हैं, किसी किसी को मिर्गी की कमजोरी आती है तो कंपनी के और भी प्रोडक्ट हैं उसको कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हैं। कमजोरी में अस्थमा, सांस की कमजोरी और भूख ना लगना और नींद की कमी, टीबी की समस्या, सांस की समस्या में सभी समस्याओं में दे सकते हैं और साथ ही साथ बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए स्वस्थ व्यक्ति भी इसका उपयोग लगातार कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसका उपयोग कैसे करें। इम्यूनोडॉग रस का इस्तेमाल कौन कौन व्यक्ति कर सकता है और कौन कौन व्यक्ति नहीं कर सकता उसको जानने से पहले बात करते हैं इसका उपयोग कैसे करें। दोस्तों बताते चलें, इसका उपयोग 1 महीने में पूरी बोतल को इस्तेमाल कर लेना है। जैसे कि आप बोतल को ख़रीदते हैं, बोतल को खोलने के बाद 1 महीने यानी 30 दिन के अंदर पूरी बोतल को कंज्यूम कर लेना है और पीने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। बोतल को हिलाकर ही इसका सेवन करें। इस्तेमाल करने के बाद रोज़ाना पर डे कम से कम 3 लीटर पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। खाना खाने के 1 घंटे बाद सुबह शाम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समान अवस्था में आप सुबह शाम 2 बार इस्तेमाल करें। यदि आपको कोई परेशानी है या शारीरिक पीड़ा है या ज़्यादा परेशानी में हैं तो आप दिन में 3 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और सोते समय। इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इम्यूनोडॉग रस किसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि 5 साल से छोटे बच्चे हैं उसको इसका सेवन बिल्कुल ना कराएं। यदि आप इसका यूज कराते भी हैं तो डॉक्टर से बिना सलाह लिए उसे कंडीशन के रिकॉर्डिंग सलाह लेकर उपयोग कराएं। और साथ ही साथ गर्भधारण या स्तनपान कराने वाली महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के इसका उपयोग ना करें। वैसे गर्भधारण, स्तनपान महिला इसका उपयोग नहीं करते। इसका उपयोग हम कब तक कर सकते हैं? इसका उपयोग निश्चित रूप से लगातार 3 महीने ज़रूर उपयोग करना है। दोस्तों ये थे SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इम्यूनोडॉक रस के फ़ायदे। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू दोस्त।